हेलो एंड वेलकम टू हैटी कर्नर्स। हैटी कर्नर्स के आर्ट एंड क्राफ्ट कर्नर में आप सबका स्वागत है। आज हम गोल्ड एंड सिल्वर पर्ल एक्रिलिक कलर को यूज करके एक सुंदर सा डिजाइन बनाएंगे। आप कोई भी डिजाइन ले सकते हैं, पर यहाँ पर मैंने गणेश जी का एक आइडल पेंट किया है। आइए देखें इसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी। यहाँ पर मैं ब्रश नंबर 2 ले रही हूँ। हमें लाइंस में ही ड्रॉ करना है, तो हम बहुत ज्यादा पतला नहीं बना सकते, थोड़ा मोटा ब्रश हमें चाहिए। और सिल्वर एंड गोल्ड दोनों का जो ग्लिटर वाला कलर आता है पर्ल एक्रिलिक में, मैंने वो लिया है। और यहाँ पर मैं मीडियम 2 का यूज करूंगी। आप मीडियम 1 भी यूज कर सकते हैं, बट मीडियम 2 इस तरह के ग्लिटर वाले कलर्स के लिए अच्छे रहते हैं, थोड़े से थिक होते हैं तो मिक्स करने के लिए अच्छे रहते हैं और ज्यादा देर तक टिकते हैं कपड़े के ऊपर। एक वेस्ट क्लॉथ भी चाहिए ब्रशेस को पोंछने के लिए, और ब्रश धोने के लिए वाटर चाहिए हमें। यहाँ पर मैंने कपड़े के ऊपर गणेश जी का एक सुंदर सा डिजाइन ड्रॉ कर लिया है। मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया है, अगर आप चाहें तो ट्रेस भी करके ले सकते हैं। और ट्रेसिंग का मार्क या फिर पेंसिल का दाग कपड़ा धोने के बाद आराम से निकल जाता है। यहाँ पर मैंने कॉटन का क्लॉथ लिया है, जिसे मैंने अच्छे से धो के आयरन करके फिर उसके ऊपर ड्रेसिंग किया है। तो चलिए, आपका ड्राइंग या ड्रेसिंग हो गया, उसके बाद अच्छे से कपड़े को फ्रेम कर लेते हैं। टाइटली फ्रेम करने के बाद बारी है कलर मिक्सिंग की। यहाँ पर मैं एक जगह पर थोड़ा सा मीडियम निकाल लूंगी। देखिए कितना थिक है मीडियम 2। और थोड़ा सा कलर लेके मीडियम को मैं मिक्स करूंगी। मीडियम को हम उतना ही मिक्स करेंगे जितना कि हमारा कलर पतला बन जाए, ड्रॉ करने के लिए इजी हो जाए। ये ग्लिटर वाला कलर है, मेटालिक कलर नहीं है, तो इसे यूज करके सबसे पहले मैं गणेश जी का माथे का जो टीका है वो पेंट कर रही हूँ। देखिए इस तरह से मोटा ही डिजाइन आपको रखना होगा, बहुत ज्यादा पतली ब्रश लेकर इस तरह की पेंटिंग नहीं कर सकते। पेंटिंग करने के बाद आपको इसे अच्छे से सूखने देना है और फिर दोबारा से इसके ऊपर आपको सेकेंड कोट लगाना है। ये सिंगल कोट में नहीं होगा, इसका हमें डबल कोट ही लगाना है। तो अगर कलर करते वक्त आपको लगे कि थोड़ा अंदर का डिजाइन दिख रहा है, अभी उतना प्रोमिनेंट नहीं हुआ है, तो चिंता मत कीजिए, सेकेंड कोट में सब कवर हो जाएगा। देखिए इस तरह से मैंने कर लिया। अब इसे मैं 1-2 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ दूंगी, उसके बाद ही डबल कोट करूंगी। तो चलिए बाकी के सारे डिजाइन्स हम बना लेते हैं। सारे के सारे पेंटिंग हम ब्रश नंबर 2 से ही करेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में कलर्स और ब्रशेस का डिटेल दे दूंगी, आप उसे प्लीज चेक कर लीजिएगा। अगर आप इस तरह के डिजाइन बनाकर वॉल हैंगिंग भी बनाना चाहते हैं, फ्रेम करवाना चाहते हैं, तो भी आपको मीडियम का यूज करना है। वाटर से भी कलर मिक्सिंग हो सकता है, बट धीरे धीरे ग्लेज खत्म हो जाता है।
जब हम बार बार धोते हैं या फिर बहुत दिनों तक टांगे रखते हैं कोई भी डिजाइन को, तो फिर एक्रीलिक कलर धीरे धीरे फेड हो जाता है। इसलिए आइदर आप सजाने के लिए बनाएं, वॉल हैंगिंग के लिए कुछ बनाएं, या फिर कपड़े पर पेंट करें, मीडियम का यूज हमेशा करना चाहिए। वैसे तो वाटर से भी आप मिक्स करेंगे तो कलर धुल नहीं जाएगा, रहेगा, पर ग्लेज जल्दी से खत्म हो जाएगा। जो चमक होती है कलर्स की, वो धीरे धीरे बार बार धोने पर निकल जाती है। और हम अगर इतना मेहनत कर रहे हैं तो चाहेंगे कि ये हमारा डिजाइन सालों साल ऐसा ही बना रहे। इसीलिए प्लीज मीडियम का यूज करके किसी भी फाइनल प्रोडक्ट को बनाइएगा। और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके लिए आप वाटर का यूज कर सकते हैं। फाइनल प्रोडक्ट बनाते वक्त हमेशा मीडियम का ही यूज करें। तो इस तरह से हम लाइंस बनाते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे। चलिए झटपट बना लेते हैं। इस तरह से हम
सिल्वर कलर और गोल्ड कलर का यूज करके डिजाइन बना लेंगे। आप जो भी कलर यूज करें उसमें मीडियम का यूज करें और ब्रश नंबर 2 से ही पूरा का पूरा डिजाइन करें। और जो अंदर के डिजाइन के लिए आप ब्रश नंबर 2 से ही फिलिंग कर सकते हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स बनाकर हो या फिर कोई बारीक काम हो, डॉट्स बनाने हो, सारे के सारे डिजाइन आप इसी ब्रश नंबर 2 से ही करें, क्योंकि हमें थोड़ा मोटा ही डॉट्स रखना है। और एक बार बनाने के बाद आप इसे सूखने देंगे, 2-3 घंटे सूखने दीजिए, आराम से सूख जाएगा। उसके बाद आप दोबारा से उसी लाइंस के ऊपर पेंट करें और फिर आपका डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड कोट देना जरूरी है ताकि हमारी कपड़े की जो ग्लेज है वो बनी रहे, डिजाइन जो है उसका चमक बना रहे। और देखिए, पूरा एक दिन सूखने के बाद हमारा डिजाइन कैसे चमक रहा है, ये सेकेंड कोट के बाद का लुक है। आप चाहे पूजा रूम में पर्दे के ऊपर इस तरह का डिजाइन बनाए या फिर इसे बाइंडिंग करके वॉल हैंगिंग बनाए, जो भी बनाएंगे सालों साल आपका डिजाइन इस तरह से चमकता रहेगा। और हाँ, 7 दिन के बाद ही आप कपड़े को धो सकते हैं, उससे पहले नहीं। 7 दिन हमें अच्छे से सूखने देना है। मैंने वॉश एंड केयर के ऊपर भी वीडियो बनाया है, आप प्लीज प्लेलिस्ट में उसे चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।